दिग्विजय नाथ पीजी कॉलेज द्वारा निर्मित हर्बल सैनिटाइजर का निःशुल्क वितरण रविवार को कॉलेज द्वारा गोद लिए गए गांव रजी में संपन्न हुआ, जिसका नेतृत्व प्राचार्य द्वारा गठित टास्क फोर्स के सदस्य रोवर्स रेंजर्स के समन्वयक डॉक्टर कमलेश कुमार मौर्य एवं एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी सुदेन चौहान के निर्देशन में किया गया। आपको बता दें कि महाविद्यालय द्वारा गोद लिए गए गांव रजही के किसानों, दुकानदारों और मजदूरों सहित लगभग 500 परिवारों में हर्बल सैनिटाइजर सहित साबुन का निःशुल्क वितरण किया गया। साथ ही कोरोना से बचने के लिए केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने का आग्रह भी किया गया। इस दौरान मिथिलेश यादव, नीरज पांडे सहित सभी स्वयं सेवकों द्वारा खेतों में काम करने वाले किसानों तथा कृषि मजदूरों को जागरूक किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर पवन पांडे ने कहा, वर्तमान समय में विश्व में इस समय बहुत बड़ी एक महामारी की समस्या आ गई है, जिसमें अभी कोरोना वायरस की जो समस्या है वो इसका कोई उचित उपचार अभी तक निश्चित नहीं होता। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग है और सैनिटाइजिंग की ज्यादा महत्व है। इसलिए सैनिटाइजिंग की व्यवस्था में हम लोगों ने सोचा और इसी सोच के साथ हम अपने प्राचार्य और गुरु डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह जीवीनाथ कॉलेज से उनसे मैंने बात की, वो काफ़ी उत्साहित हुए और इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने टीम के साथ मुझे जोड़ा और इस कार्य को हम लोगों ने पूरी अच्छे से संपादित किया, जिसमें हम लोगों ने प्राकृतिक औषधि का प्रयोग किया है। मुख्य रूप से इसमें नीम, तुलसी, एलोवेरा का प्रयोग किया गया है, जिसका प्लाट लिया गया है और साथ ही इसको सेंट्रलाइजिंग करने के लिए इसमें हमने एथेनॉल का प्रयोग किया गया है, जिससे कि हाथों में किसी प्रकार का चिकनाहट न रहे। ये हम लोग एक उचित तैयारी की गई। ये हर्बल सैनिटाइजर अपने गोद लिए हुए गांव रजही जाने की तैयारी में, जहां पे ग्रामीण अंचल के निवासियों को ये वितरित किया जाएगा। दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वारा इस हर्बल सैनिटाइजर को बनाया गया है, जिसका निःशुल्क वितरण आज उसके गोद लिए हुए गांव रजही में होगा। ठीक है, इसको जो है दिन भर में कई बार हाथ धुलिए साबुन से, मुंह ढक करके निकलिए, नया बीमारी है, हो जाएगा तो इसका कोई इलाज नहीं है। आज जब तक आप लोग घर में नहीं रहेंगे तब तक लॉकडाउन खत्म नहीं होगा, है ना? इसलिए अपने घर रहिए और सुरक्षित रहिए। जब बाहर निकलिए तो नाक और मुंह बंद करके तब निकलिए, है ना? घंटे पे हाथ धुल के इसको लगाते रहिएगा दिन भर में। जब भी जाइए आप तो हाथ साबुन से धुलिए। सैनिटाइजर है दिग्विजय नाथ कॉलेज की तरफ से फ्री में रजही गांव में बांटा जा रहा है। इसको खाने से पहले दिन भर में 4 बार 6 बार 8 बार 2 बूंद ले करके और हाथ में लगा लिया करिए। बाहर खेत में काम कर रहे हैं तो आप मुंह बांध करके रहिए। नई बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है और जब तक यह बीमारी ख़त्म नहीं हो जाएगी तब तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं होगा। इसलिए जब सब लोग मिलकर के सहयोग करेंगे तभी लॉकडाउन खत्म होगा, है ना? तो मुंह बांध करके रहिए, अन्य लोगों को भी बताइए, जो लोग हैं उनको बताइए और अंदर रहिए। मैं डॉक्टर पवन कुमार पांडे। जी हाँ, ये दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वारा हर्बल सैनिटाइजर तैयार किया गया है। विशेषकर इसमें मैं जो योगदान देना चाहूँगा वो डॉक्टर संजय कुमार तिवारी, जो निदेशक हैं निरोग प्राकृतिक चिकित्सा के और महाविद्यालय के पुरातन छात्र भी हैं। इन्होंने ही पहल की कि हम लोग हर्बल सैनिटाइज़र बनाएं और ग्रामीण अंचल के लोगों को अगर निःशुल्क इसका वितरण करें तो बेहतर होगा, इससे कोरोना बचाव में हम उनकी सहायता कर सकते हैं। तो ऐसे में हमने उनसे पूछा कि क्या ये इतना आसान है बनाना। उन्होंने कहा आसान तो नहीं है परंतु हम विशेषज्ञों की सलाह से इसे बना सकते हैं। इसके उपरांत हमने अपने प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह जी से चर्चा की और बताया कि हम हर्बल सैनिटाइज़र बनाना चाहते हैं। तो प्राचार्य जी का भी कहना यही था कि आप, अच्छी बात है, ये अच्छी पहल है आप लोगों की, लेकिन विशेषज्ञों से उन मानकों को जान लीजिए आप कि जिन मानकों पर आप इस हर्बल सैनिटाइज़र को तैयार करेंगे। इस दिशा में हमने डॉक्टर डीपी सिंह, आयुर्वेद आचार्य हैं गोरखनाथ चिकित्सालय गोरक्षनाथ हॉस्पिटल के, इसके अलावा हमने डॉक्टर एनपी सिंह, डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जो एक्स सीएमओ हैं ये जयपुर
आयुर्वेद चिकित्सालय के, और वर्तमान में ये दोनों लोग अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े हुए हैं। इसके उपरांत हमने इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ योगा के डॉक्टर सदानंद जी से भी बात की और इन सभी विशेषज्ञों ने हमें आश्वासन दिया कि हम आपको ये हर्बल सैनिटाइज़र तैयार करने में, इनके मानकों में पूरी सहायता करेंगे। इसके उपरांत महाविद्यालय ने हर्बल सैनिटाइज़र बनाना तैयार किया और फाइनली कल हमने हर्बल सैनिटाइज़र तैयार किया जिसमें पूरी तरह से हमने प्राकृतिक औषधियों का इस्तेमाल किया हुआ है। मुख्य रूप से हम बात करें आपसे तो इसमें नीम, तुलसी, एलोवेरा इसका इस्तेमाल किया और इसको सैनिटाइज करना है सैनिटाइजेशन में, तो इसके लिए हमने एथेनॉल का प्रयोग किया जो ये सैनिटाइज करने का कार्य करेगी। इसके उपरांत आज प्रातः 8 बजे इसका वितरण सुनिश्चित हुआ जो महाविद्यालय द्वारा गोद लिया गया गांव है रजही में, और वहां हमारे कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर कमलेश कुमार मौर्य और डॉक्टर सुरेंद्र चौहान जी ने, जो हमारे वॉलंटियर्स थे, विशेषकर मैं नाम लेना चाहूँगा मिथिलेश यादव और नीरज पांडे, इनकी सहायता से गांव के लोगों को ये हर्बल सैनिटाइजर जो है निःशुल्क वितरित भी किया और इसके उपरांत उन्हें कोरोना वायरस से कैसे बचना है इस बचाव को लेकर के जागरूक भी किया, और मुख्य रूप से जो आरोग्य सेतु ऐप है उसको डाउनलोड करने की बात भी कही और उन्हें लॉकडाउन का पालन करने का निर्देश भी दिया।